दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हूँ हसन परवास। एक बार फिर नवा वीडियो के नाल थारी खिदमत में हाजिर हाँ। तमाम उसलो बताता रहे अपने राय के नाल। आज जो वीडियो है जो एक ऐसा वली अल्लाह के मतलक है जिनको नस्बी सिलसिलो जड़ो है हज़रत बाबा जमाल वली रहमतुल्लाह अलैह खिजरवी कनेलवी नाल मिले। और हज़रत बाबा जमाल रहमतुल्लाह अलैह ज़िला मानसहरा बटकरड़ का बसनीक था, महसा का चरवाल था, लेकिन उनको हर सा अल्लाह का जिक्र के बगैर खाली नहीं बैठो। ये अल्लाह का भी नेक बंदा वे जिन्हें अल्लाह ताला नवाज़ है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला को फजलो करम है, और फिर ये अल्लाह को कुर्ब हासिल कर ले। यानी वली को मतलब भी है कि अल्लाह के करीब होनो, वे अपना नेक अमला और ईमान के ज़रिए अल्लाह की कुर्बत हासिल करें और सारी उम्र इससे ना गए पीछे शिरक से दूर रह गए, ईमान तो नेक अमला के ज़रिए गनाए तो बचता वहाँ रब्बुल इज्जत के नज़दीक रहें। जिस अल्लाह का नेक वली के मतलब हूँ गल कर रहे वहाँ उनको इसमें ग्रामी हज़रत बाजी मयुद्दीन अलमारूफ काका बाजी थे। वे नस्बी तौर पर हज़रत बाबा जमाल वली रहमतुल्लाह अलैह की पुश्तते आवे और उससे लड़ी के नाल इनको ताल्लुक है। यह एक ऐसी ताणी है जिसके अंदर कई वली अल्लाह हुए हैं और जिन्होंने अल्लाह का हुक्म के नाल खलकत की खिदमत की और तौहीद को सबक दितो, तरीकत तय शरीयत का पाबंद रह गए, लोगों ना यू ही दर्श देता रहा। इनको ताल्लुक ऐश मकाम ज़िला अनंतनाग नाल है, लेकिन सियाल का दिन में ये जम्मू का इलाका मामी आवे। बाबा जमाल वली जड़ा के मैसा का चरवाल था, लेकिन अल्लाह को जिक्र उनकी ज़बान पर हमेशा जारी रहतो। एक रात वो इसरा के वे इबादत में लगा हुआ था तो मैस के गुम गई। बाद में यो फिक्र हो कि किसी को नुकसान ना कर जिंदा उठकर दौड़िया, मैं साना लौड़न लगा और इससे दौरान वे देखेंगे एक जगह लो जड़ी है वह बढ़ रही है। वे दौड़ता दौड़ता उस लो दल गया, लेकिन उनका पहुँचने थोड़ी वह लो बुझ गई, फिर वह दूजी बखी जा बड़ी, फिर ऊँ दौड़िया तो इस तरह करता करता उन्होंने कुछ सत फराटी लाई, फिर तंग हो गए। अल्लाह के वास्तों दे गया पूछ ऐ लागे मखलूक के बांधे आ कि तू है कौन है। उसले हज़रत ख्वाजा खिजर अलैहि सलाम बांधा आया और उन्होंने क्यों कि अगर तू इसी तरह फराटी लातो रहतो तो तेरी सारी पुश्त जड़ी हैं वे बख्शे जें थी और उन तेरी पुश्तों में वली वें था, तो सत फराटी लाई हैं तो जा फिर तेरी सत पुश्त जड़ी हैं उन वली अल्लाह वेंगा। अख हमेशा इनकी जड़ी हैं वे नमरे और सादा जिंदगी गुजारें। हज़रत काका बाजी के मतलब भी यही मशहूर है कि वे हमेशा अल्लाह की इबादत में लगा रहे में था। तो उनका उसकी तकरीब जम्मू में बाजी आबाद जम्मू में हुई, जो मकाम जो है दवाड़ा जम्मू का करीब है, वो तो वही जित खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिक्र रोजगार की मजलस हुई, उदो सलाम जो है वो पढ़े गयो। कुछ लोगों ने उसमें उनकी ज़िंदगी पर लो भी कर ली और इस मौका पर एक किताब को अजरा भी की गयो जिसको ना अनवार खिजर है, चौधरी अब्दुल हमीद कसाना साहब की लिखी हुई यह किताब थी और इससे तकरीबा इस किताब ना जारी की होगी हो, यानी इसकी अजराई की जड़ी रस्म है वह अदा की गई। तो हूँ ताना इस उसकी तकरीब मानते चलो। याकूब मोए मुकद्दस ने चोरी करके ले चले लगा वा
अच्छा सुभान अल्लाह, यहाँ कि उसने उस वक्त देख लियो जिस वक्त उसमें चोरी करें था लगावा तो शाम रात का टाइम में देख लियो सुभान उस कश्मीर के अंदर फिर कितना दिन वो हड़ताल रही है की हो कि लोगों ने उस बारे में नॉलेज है किसने खबर है, मगर उस शख्स ने अपनी जबानी या गल मैंने सुनाई हुई है कि मैं हूँ इस चीज को गवाह हूँ कि मेरे घर रहते और बाजी साहब ने उस वक्त पहला गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट दे खबर आने से पहला बाजी साहब ने यह गल फरमा दी थी यू कमरों बाजी साहब को है तो यू कमरों बंद है तालो ला के रखे उसने सिर्फ मैंने उस कमरा को दीदार करवायो कि इस जगह में रहते हो या मिट्टी की बुखारी लिपी भी उसने बाकी उसकी बिल्डिंग की जबरदस्त महल है मगर वह जगह उसने उसी तरीका नाल रखी भी पुरानी ते उन्हें बुजुर्गों लोगों के बारे में मेरा जो नाचीज शख्स की गल कर सकू की गल कर सकेगा अलबत्ता यह चीज है कि हाँ अल्लाह ताला का फजल के नाम जो पिछलो खानदान बाबा जमाल वली को वो हम सारा को हम उसे लाइन दे हम सारा लोग वो चीज आ गया औलिया किराम का तذکرہ जारी है बकौल अलामा इकबाल अलैहि रहमान न पूछ इन खिरकपोशों की इरादत हो तो देख इनको न पूछ इन खिरकपोशों की इरादत हो तो देख इनको यदि बैजा लिए फिरते हैं ये अपने आस्तीनों में। मौसद हजरात अब मैं यहाँ पे आने की दावत दे रहा हूँ जनाब कारी शबीर अहमद नूरी साहब को कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمتي حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هذه الصراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا محمد خير البرى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ضدا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه अपने महबूबों की याद में हम सबको शिरकत की तौफीक अता फरमाई हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए बाई से बख्शिश और नजात का जरिया बनाए। मेरे नबी मुकर्रम फरमाते गए अल्लाह वालों के दरबार में जाने की मोहब्बत और ख्वाहिश अपने दिल के अंदर लेके इरादा करने की बदौलत मेरे रब ने उसे एक कदम रखने से ही बख्श दिया गए और आज हम सब अल्लाह के वली की मोहब्बत में आए गए कितने कितने कदम रखे गए। अगर सच्ची मोहब्बत सच्ची अकीदत आपके दिलों में होगी तो इंशाल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है आखिरत में भी बेड़ा पार होगा। वापस सकेंगे सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी पंज गंजे बिलाया हो सलाम मुस्तफा रहना तेला सलाम शमाए बजे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम
जातनी के बात आना चेहरे अनहर दिखाना अका कमली में अपनी छुपाना कल मैं لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا إله العالمين يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ہم سارا نے مل کے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی اس مدرسے پاک ماں درود و سلام پڑھا گیا ختمات المعظمات پڑھا گیا تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام لاتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی اس مقدس عرص پاک کی تقریبات کا سلسلہ میں مولا پاک نے ختمات المعظمات کا اہتمام کیے ہوئے اور کل تلے گئے اس ولا تلے اور انشاءاللہ کل آن آنا کل تک جاری رہے گا مولا پاک ساری تقریب سعیدنا ختمات المعظمات نہ صدقات و خیرات نہ تمام نظر و نیاز نہ اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما آمین. العالمین اپنا فضل و کرم کے نال قبول فرما گئے اپنی شان کے لائق تمام حاضرین نا ناظرین نا حصہ داران نا معتقدین معتقدات نا جنو اجر و ثواب عطا فرمائے وہ ہم سارا ہی طرف ہدیت تحفت نقیدت محبت تیرا پیارا محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دربار میں پیش قبول آپ علیہ الصلات و تسلیم کے صدقے تمام انبیاء کرام مرسلین نظام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح مقدسہ مطہرانہ پیش قبول آپ کا والدین مغفورین آپ کا جملہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المومنین بنات طیبات بنین طیبین خلفاء راشدین المہدیین جملہ صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات تبعی تابعین تبعی تابعات ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین بزرگان دین صالحین امت
तमाम खानदान हजरत बाबा नूर जमाल वली रहमतुल्लाह अलैह तुले गए इस वेला तुड़ी जितना भी बुजुर्गान दीन बुजुर्ग मर्द और खवातीन इस दुनिया तो गया तमाम की रूह न पेश आमीन सारंगा दराजात न बुलंद बाला फरमा आमीन ना सारंगा रूहानी फयूजात बरकात नाजिल फरमा आमीन जिला बाजी मिर्जा साहब की सरब्राहिमा और बाजी ताहिर बाजी साहब की सदारत में इस मजलिस खास को एहतमाम किए हुए मौला पाक तमाम की हाजिरी ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा दिया आमीन आमीन जो गलती होगी तो माफ कर दीजिए इस मजालस में करने सीखने दिलने सभीयों की जो नेक आजाद आमीन आमीन इस्लाम को रखी थे ईमान ना आमीन आमीन अल्लाह से किसी का मेहताज नहीं आमीन या अल्लाह तेरी ईमान के काबिल आमीन कश्मीर पर और या अल्लाह की अम्मा के पास नाम का आमीन देखती है दुनिया के उन औरतों के व्यापार तक के लिए आमीन आमीन अल्लाह इस सिलसिला में दायन का काम रखे आमीन 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 अल्लाह तुम हमने से रास्ता को रखे आमीन और आखिरी रास्ता में पकड़े आमीन अल्लाह तेरे के फरियाद है आमीन मौला